जहां बीते दिनों कुछ मीडिया चैनल्स नफरतें उंडेलने का काम कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं एक अच्छी खबर आ रही है दिल्ली से। ये खबर उन सारे गोदी मीडिया चैनल्स के मुंह पर एक तमाचा है जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, जो समझते हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट सिर्फ वो गोदी मीडिया चैनल वाले ही उनको दे सकते हैं। ये देश को जोड़ने वाली वीडियो दिल्ली से आ रही है, जहां पर ये मुसाफिर पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। ये मुसाफिर पैदल ही अपने घर यानी इलाहाबाद जा रहा है, और इसका कहना यह है कि दिल्ली से निकलने के बाद रास्ते में जितनी मदद मुसलमान भाई कर रहे हैं, उतनी मदद उनके लिए किसी ने नहीं की। आप देख सकते हैं यह क्या आलम है, ये मीडिया को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ये माइग्रेंट्स वर्कर अपने घर जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान पलट कर अब मीडिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जमातियों पर लगा हुआ है। इन खबरों को नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या मतलब है, ये क्या प्रतीकात्मकता है, ये खुद ही जाने कि इन खबरों को छुपाकर वो क्या दिखाना चाहते हैं। ये खबरें हैं जो दिखाना चाहिए, ये खबरें हैं जो देश की सरकार तक जाना चाहिए, जो इन माइग्रेंट गरीब वर्कर्स के लिए कुछ मदद कर सकें। लेकिन अगर हमारा मीडिया मसरूफ रहेगा नफरतें उंडेलने में, तो इस तरह की मासूम खबरें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये देखिए, भाई मुसलमान भाइयों ने हमारी मदद की और हमें केले खिलाए, पैसे भी दिए हमें रास्ते पे जाने के, और सब भाई यहाँ पे खड़े, और हम लोगों की जो हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको खाना पानी सब मिल रहा है यहाँ पे। तो आप भाई कहाँ जा रहे हो वैसे? इलाहाबाद जा रहे हैं हम। बच्चे कितने कितने पैदल जा रहे हो? ये बच्चा मेरा 1.5 साल का पैदल जा रहे हैं। बताओ, बताया गया है कि सरकार ने आनंद विहार तक के लिए बस रखी है, दिल्ली तक हम पैदल आए हैं, और भाइयों ने यहाँ पे सब टोपी पहने हुए, जितने हैं सब मुसलमान भाई बैठे हुए, और मेरा नाम राजू रघुवंशी है। उम्मीद करेंगे कि बड़े बड़े वसूख वाले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो गोदी मीडिया का काम करते हैं, शायद उनकी कान पे इस वीडियो को देखकर जूम जरूर रेंगेगी, और शायद उनको अपना प्रोफेशन भी याद जरूर दिलाएगी ये वीडियो कि वो किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो धर्मों को, लोगों को जोड़ने के लिए बैठे हैं या धर्मों को बांटने के लिए बैठे हैं? क्या महज उनका मतलब सिर्फ TRP है? क्या TRP के लिए वो किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ जा सकते हैं? क्या वो जहर घोल सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, गोदी मीडिया के लिए आपका क्या सजेशन है, उनके लिए क्या राय है, ये भी आप तहजीब के दायरे में ज़रूर बताएं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।